और हमारी जनता, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो लेके आ चुके हैं नई मूवी। नई मूवी है माय बॉसेस डॉटर। तो इस मूवी में एक लड़के के अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है, और फिर उसको पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यह देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और आपको पसंद भी आएगा। तो मूवी कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक टॉम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि ऑफिस जा रहा होता है, और वहीं उसकी बॉस की बेटी लीजा भी होती है। टॉम उसे पसंद करता है पर वो उसे बोल नहीं पाता, पर उसका दोस्त पॉल उसको उसके पास बैठने के लिए कहता है, तो वो जाके उसके पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अपना बेबी लेकर आती है, तो वो वहाँ से हटकर उसके बगल में बैठ जाता है, और अचानक तभी ब्रेक लगती है और टॉम का मुँह उस लड़की के जाके दूध पे लगता है, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है। उसके बाद वो लीजा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी उसका ब्रीफकेस का लॉक खुल जाता है और उसके अंदर से गेम मैगजीन निकलती है। उसको देखकर लीजा टॉम को देखती है, और यह देखकर टॉम काफ़ी शर्मा जाता है। फिर वो ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ जब वो बैठा होता है तो उसे बॉस बुलाते हैं उसे। तभी टॉम केबिन के बाहर जाता है बॉस के, और वो देखता है कि जैक अपने एक एम्प्लॉय को डांट रहा है क्योंकि उसका आइडिया उसे पसंद नहीं आया, और यहाँ तक कि वो उसे फायर भी कर देता है। और यह देखकर टॉम डर जाता है। फिर जैक टॉम को अंदर बुलाता है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए कहता है। कॉफ़ी पीने के बाद वो उसे काफ़ी अच्छी नहीं लगती। वो एंट्रे को अंदर बुलाता है और कहता है कि टॉम को तुम्हारी कॉफ़ी काफ़ी वाहियात लगी और बेकार सी, और जैक एंट्रे को भी फायर कर देता है। और टॉम जब केबिन से बाहर आता है और तो उसको वहाँ पे लीजा मिलती है। वो उससे अपने घर पे आने के लिए कहती है। वो बताती है कि उसको पार्टी में जाना है पर उसके साथ कोई जाने के लिए नहीं है। वो टॉम फिर वहाँ पे हाँ कर देता है, और जब टॉम शाम को उसके घर जाता है तो जैक दरवाज़ा खोलता है। टॉम पूछता है कि लीजा कहाँ है, तो वो उससे कहता है कि लीजा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। वो उसे बताता है कि मुझे भी काम से बाहर जाना है और तुम्हें यहाँ पे घर की देखरेख करने के लिए उसने यहाँ बुलाया था। उसके बाद जैक टॉम को अंदर बुलाता है, फिर वो टॉम को अपने पेट आउल से मिलाता है, और वो उससे कहता है कि इसे टाइम टाइम पे खाना देते रहना, और जाने से पहले वो उसे बोलता है कि अगर घर में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसकी जान ले लेगा। और जैक के जाने के बाद टॉम टीवी ऑन करता है, तभी एक आदमी घर में अंदर आ जाता है जिसका नाम रेड होता है। टॉम उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं जैक का बेटा हूँ। वहाँ आकर वो टॉम को एक पैकेट देता है और कहता है कि अगर कोई जैक के नाम से मांगने आए तो उसे वो यह दे देना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पर बेल बजती है, और वो जाके देखता है तो वहाँ पे एंट्रे होती है जो को जैक से अपनी नौकरी के लिए आई होती है। एंट्रे सीधा घर के अंदर घुस जाती है और फिर जाके दारू पीने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो उन दोनों को घर से बाहर निकालने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ रेड ड्रग्स को फ्लश कर रहा होता है। फिर यहाँ आउल को उसको पानी पिलाने की याद आती है, तो टॉम उसे वही फ्लश का पानी पिला देता है। टॉम जब बाहर आता है तो एंट्रे का बॉयफ्रेंड तो वहाँ से चला जाता है, पर एंट्रे वहीं होती है। वो टॉम से कहती है कि मेरे पास आज रात रुकने के लिए कोई सहारा नहीं है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर आज रुकने दो। तो वो उस पर दया खाता है और उसे रुकने देता है। तभी फिर से बेल बजती है, और जब वो गेट पर जाके देखता है तो वहाँ पर डीजे नाम का आदमी होता है। वो बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पे किसी ने पैकेट छोड़ा होगा, तो टॉम उसे वो पैकेट दे देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर टॉम अंदर आता है और उसे आउल को खाना खिलाने की याद आती है। वो चूहेदानी लेके उसके पास जाने लगता है, पर तभी चूहेदानी उससे गिर जाती है और सारे चूहे इधर उधर भाग जाते हैं। और तभी आउल भी अपने कमरे से निकल के एक चूहा लेके बाहर की तरफ भाग जाता है, और फिर उसको पीछा करते हुए वो पड़ोसी के यहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पड़ोसी गन लिए खड़ा होता है, पर वो उससे गन छीन लेता है और भाग आता है और गोलियाँ निकाल के अपने ही घर में रख लेता है। और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि एंट्रे ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी बुला लिया है, और वो सारे मिलके वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, और गुस्से में वो टॉम उनसे घर से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया है, और यह बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक चूहा जाके लीजा के पर्स में घुस जाता है,
और टॉम उसे निकालने लगता है, तभी वो टॉम के पैंट में घुस जाता है। और जब वो उसे निकालने लगता है तभी लीजा आ जाती है और उसे लगता है कि वो उसकी पैंटीज के साथ मास्टरबेट कर रहा है। उसके साथ वो सारी बातें वो उसको बताता है तो वो काफ़ी हंसती है। और फिर तभी वो बताता है कि वो उसके साथ डांस करना चाहता है, तो फिर वो डांस करने लगते हैं और फिर वो साथ साथ डांस करते हैं। और लीजा एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और टॉम के पास आकर उससे बोलती है कि अगर तुम गे नहीं होते तो इसको तुम ज़्यादा फील करते। तभी वो कहता है कि मैं गे हूँ, ऐसा तुम्हें किसने बताया? तो वो कहती है मेरे डैड ने। तो वो बताता है कि मैं गे नहीं हूँ। और फिर टॉम बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आया था। और यह सुनकर लीजा काफ़ी भावुक हो जाती है और फिर वो किस करने लगते हैं। फिर टॉम को नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो टॉम नीचे जाके देखता है तो डीजे वहाँ पर आया होता है और उसने सारा पूरा घर तहस नहस कर रखा होता है। वो टॉम को पकड़कर बोलता है कि अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर वो आउल को देखता है जो कि दूसरे घर में चला जाता है पड़ोसी के, तो वो उनके घर जाता है। तो जो एक आंटी वहाँ पे आके उससे पूछती हैं कि तुम जूलिया के बॉयफ्रेंड हो, और वो उसे अंदर ले लेती हैं। फिर वहाँ जूलिया आती है और फिर उसके बाद उसके पापा आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम जूलिया के डेट पे ले जाना चाहोगे? तो वो कहता है तुम जो मुझे समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। टॉम बाहर आता है। ऑन्ट्रे उससे बोलती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि शायद उसे ब्रेस्ट कैंसर है और फिर वो उनको चेक करने के लिए कहती है। तो टॉम उसके फ्रेंड के पास जाकर उसके ब्रेस्ट को टच करके देखता है और दोनों को टच करके कंपेयर करता है कि कोई फ़र्क तो नहीं है। उसे यह करते हुए लीजा देख लेती है। फिर वो समझने की कोशिश नहीं कर पाती और कुछ गलत समझ के उसे बुला बुला बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर टॉम नीचे आता है तो डीजे को तिजोरी खोलता हुआ देखता है, तो वो उसे रोकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकता। तो टॉम उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि रुक जाओ नहीं तो मैं मार डालूँगा। तो डीजे उसके सामने आकर उससे खड़ा हो जाता है और कहता है कि गोली चलाने की अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो चलाओ। टॉम उसे नहीं मारता और डीजे पूरे घर में मूंद देता है। फिर टॉम ऑन्ड्रे के पास जाता है। ऑन्ड्रे उसे कुछ गोलियां देती हैं। वो कहती है कि इसे डीजे की ड्रिंक में मिला देना जिससे वो बेहोश हो जाएगा। टॉम डीजे के पास जाता है और उसके ड्रिंक में चुपके से ये गोलियां मिला देता है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है वो तड़प के बेहोश हो जाता है। फिर ऑन्ड्रे का दोस्त बताता है कि यह गोलियां केवल पानी के साथ दी जाती हैं, अगर ड्रिंक में मिला के दें तो ये जहर बन जाती हैं। और फिर वो टॉम बाहर जब जाता है तो ऑन्ड्रे और उसके दोस्त मिलके एक कब्र खोद रहे होते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि अब तो डीजे मर चुका है, अब उसे दफनाना होगा। फिर वहाँ पर लीजा आ जाती है और लीजा के बिल्कुल जस्ट पैर के नीचे से डीजे बाहर आता है और लीजा को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं लीजा को मार डालूंगा। तो टॉम उसे कहता है कि मुझे मार डालो, उसे छोड़ दो। तो वो टॉम की तरफ गन पॉइंट कर देता है और पीछे से रेड आके उसके डंडा मारता है जिससे डीजे बेहोश हो जाता है। और फिर एक लड़का आके टॉम को बताता है कि जैक का फ़ोन आ रहा है और वो टॉम को पिकअप करने के लिए बुला रहे हैं। तो लीजा कहती है कि तुम डैड को लेकर आओ, तब तक हम घर की साफ़ सफाई करते हैं। और फिर वो साफ़ सफाई में जुट जाते हैं। टॉम जैक को घर लेकर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैक का आउल सीधा आके टॉम के मुंह पर लगता है और वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधे घर में घुसा देता है। तभी जैक गाड़ी से उतर कर देखता है तो घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है, तो वो टॉम को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर रेड और लीजा आपस में बात करते हुए देखते हैं हम लोग, और रेड बोलता है कि डैड ने उसे बेचारे को फालतू में अरेस्ट करा दिया, दरअसल वो केवल आउल से ही प्यार करते हैं। और फिर रेड कहता है कि काश मैं वो आउल होती। तो लीजा बताती है कि मैं भी बचपन में यही सोचती थी। तो जैक को यह सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास होता है। फिर रेड टॉम को जेल से छुड़ा लाता है और फिर वो लीजा से मिलता है। पीछे से जैक उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम मेरे अगेंस्ट बोले और मुझे ये अच्छा लगा। और वो उसका प्रमोशन कर देता है
और लीज़ा और जैक के भी रिश्ते सुधर जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे भी हूँ मैं, ये यूज़र नेम आ रहा होगा, तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।